नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनीत खन्ना स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पे। और आज एक बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही यूज़फुल वीडियो के संग आपके बीच में आया हूं मैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हीमोइम का बहुत ही लेटेस्ट टेस्टिमोनी हमारे साथ में, हमारे निगाह में आया है, जो मैं आपको पेशेंट से और पेशेंट की जो टेक केयर कर रहे हैं मैं उनसे मिलवाऊँगा आपको। और हम लोग देखेंगे कि हीमोइम का क्या लेटेस्ट इम्पैक्ट पड़ा है पेशेंट के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपकी बात कराता हूँ। आप, मैं हूँ यहाँ पर कहाँ, दिल्ली में उत्तम नगर में, और यहाँ पे मैं आया हूँ विशाल जी के पास में उनसे मिलने। और लगभग 1.5 महीने पहले मेरी इनसे बात हुई थी। आइए विशाल जी से ही जानते हैं कि एक्चुअल में सारी पोजीशन क्या रही है, सारी परिस्थितियाँ क्या रही हैं, और हीमोइम ने उनकी लाइफ में क्या वैल्यू एडिशन करा है, उन्हीं के मुँह से सुनते हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम विशाल है, मैं न्यू दिल्ली उत्तम नगर से हूँ। एक्चुअली मेरी मदर को राइट तरफ ब्रेस्ट में था दिक्कत, तो जिससे कि इनको फीवर रहता था, उठा नहीं जाता था, कुछ खाते पीते नहीं थे। पर हीमोइम लेने से मेरी मदर को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है कि जो जख्म था वो भी सूखने लग गया है और बॉडी में एनर्जी है। जो जख्म में पेन होती थी, पेन में भी रिलीफ है। हमें 1.5 महीने में हीमोइम से बहुत फ़र्क पड़ा है। विशाल जी, कितनी डोज लिया आपने पर डे की? हमने पर डे में 2 पाउच नहीं, 1 पाउच, दिन में 2 पाउच लेते थे, जिससे मेरी मदर को बहुत रिलीफ है। जब हम लोग की बातचीत हुई थी तो उससे पहले आंटी जी की क्या पोजीशन थी, थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। आपसे बात हो, 15 अगस्त को पहली डोज इनको मैंने दी थी मम्मी जी, को जी जी। उससे पहले मम्मी को फीवर रहता था जी, और अपना जख्म में दर्द रहता था जी जी, जिससे कि मेडिसिन वगैरह खाते थे, पेन किलर खाते थे, गैस वाली गोली खाते थे जी। तो जिससे जब तक असर रहता था तब तक ही वो सही रहता था, फिर भी पेन में फर्क नहीं था। पर हीमोइम लेने से पेन में फ़र्क है हमें, ठीक है, और जख्म में भी फ़र्क है, और मम्मी को बॉडी में एनर्जी है, ठीक है। और नंबर वन सबसे पहली बात है कि इनको भूख नहीं लगती थी, हाँ जी, पर हीमोइम लेने से खाना खाते हैं वो भूख लगती है। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्र की बात है। चलिए, अभी आपका सजेशन क्या है और लोगों के लिए? कि हम तो ये कहते हैं कि जिसको भी इस तरह की दिक्कत हो, जिसे डॉक्टर कैंसर बोलते हैं जी, या कोई गांठ होती है जी जी, तो इसके लिए हीमोइम सबसे बेस्ट है जी। ठीक ठीक, आइए आंटी जी के मुंह से भी एक बार सुने आंटी जी की क्या जो है एक्सपीरियंस रहा है इस प्रोडक्ट को लेके और डिसीज को। आंटी जी, पहले क्या पोजीशन थी आपकी हेल्थ को लेकर, बताइए थोड़ा सा। मेरी हेल्थ को लेकर बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन थी, जिससे कि तो मैं वॉशरूम जाने में भी बहुत अमस्त थी जी, और ना मुझे भूख लगती थी, 24 घंटे मुझे फीवर फीवर ही रहता था जी जी। तो जब से मैंने ये दवा शुरू करी है उससे मेरे में थोड़ी एनर्जी आई है और मुझे भूख भी लगने लग गई है जी। और ये जो दवा है मैं 1.5 महीने से खा रही हूँ, उससे मुझे काफ़ी फर्क है। अब मतलब मैं चल फिर भी सकती हूँ और खाना भी खा रही हूँ ठीक से, और मतलब उठ बैठ भी आराम से रही। आंटी जी, आपने पहले बताया कि पहले मतलब बेड से उठना भी मुश्किल पड़ता था, पहले तो मेरे दोनों जो टांगे थी उसमें तो ऐसे लगता था जैसे जान नहीं है जी, और दर्द से भरी रहती थी जी जी। तो मुझे वॉशरूम जाने में इतनी परेशानी होती जी थी, क्योंकि मैं वॉशरूम नहीं जा सकती। अभी मेरे ख्याल 29 अगस्त को राखी थी मेरे ख्याल से। हाँ जी, हाँ, राखी पे आप कहाँ हो के आए थे? राखी पे मैं अपने भैया के यहाँ गई थी। कितने दूर है यहाँ से? यहाँ से है ये मतलब काफ़ी दूर है। हाँ, ये मुझे पता है क्योंकि मुझे विशाल जी मिले थे वहाँ पर, और मुझे सुन के खुद हैरानी हुई कि आंटी जी 4th फ्लोर से नीचे उतर के फिर मेट्रो में सफ़र करके वहाँ तक पहुँचे थे। तो ये कहीं ना कहीं इस प्रोडक्ट की पावर है जो आपको मतलब उस तरह की एनर्जी मिल पाई है ना। भूख लगने के मामले में क्या आपको फ़र्क महसूस होता है? भूख में तो अभी ये है कि थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ, जैसे अब पहले तो मुझे देखने का मन नहीं करता था जी जी, अब जो है कि मेरा हर एक चीज़ खाने का मन करता है, मेरे अंदर से भूख लगती है जी जी जी। पहले मुझे भूख वगैरह नहीं लगती थी। हाँ जी, हाँ जी, बस मन करे लेटे रहो जी जी। हाँ, ये तो मतलब पॉजिटिव साइन है, अगर एक इंसान को भूख लगनी शुरू हो जाती है तो इसका मतलब उसकी रिकवरी हो रही है। मेरे जख्म में भी बहुत फर्क है जी, पहले मुझे बहुत पेन रहती थी जी जी, अब जब से मैंने वो दवाई खाई भी है और लगाई भी है तो उससे मुझे भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। ठीक ठीक ठीक, शुक्रिया शुक्रिया आंटी जी कि आपने कैमरे पे आके अपनी सारी बात को रखा। आपकी बातों से और दूसरे बहुत सारे जो हैं जो इस तरह की बीमारियों से परेशान हैं लोग, उनको हौसला मिलेगा इस प्रोडक्ट को यूज़ करने का, ट्रस्ट बनेगा। आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो अपनी तरफ से? मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ, अगर किसी को भी इस चीज़ की कोई भी दिक्कत है तो आप ये दवा जरूर लीजिए जी, इससे सबका भला होना चाहिए, सबको आराम मिलना आराम मिलना चाहिए।
थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू विशाल जी, जो आपने इतनी अपनी बात ओपनली आके प्लेटफॉर्म पे बोली है, इसका हम लोग को, बहुत सारे लोगों को उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को इससे हेल्प मिलने वाली। थैंक यू सो मच।